तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडियो मास्टर के स्पीकर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है SWF1800। मतलब कि ये स्पीकर जो है 1000 वाट आरएमएस पावर में स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम इस वाले स्पीकर का क्विक रिव्यू, साथ ही साथ इसका प्राइस क्या होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, कितने वाट का एम्पलीफायर लगेगा, ये सारी चीज़ हम बात करने वाले इस वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं SWF1800 इसका मॉडल नंबर मेंशन कर दिया गया है और स्पीकर का मैग्नेट में होल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्राइट मैग्नेट में आपको स्पीकर देखने को मिलता है, स्पीकर के ऊपर मैग्नेट में सारे स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इस स्टिकर में सारे डिटेल्स दिए गए हैं जो स्पीकर्स में होना चाहिए, जैसे कि वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस पावर, ये सारे चीज़ जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। पेपर कोन की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबवूफर का यहाँ पर आपको पेपर कोन 2 लेयर XMOS में आपको यहाँ पर पेपर कोन देखने को मिलता है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा पंच और काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन भी आप इस वाले स्पीकर से निकाल सकते हैं। लेकिन आप इस वाले स्पीकर को पंच के लिए यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का SWF में हमें और क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा और भी हम यहाँ पर रिव्यू देख लेते हैं। स्पीकर का टर्मिनल सॉकेट आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा टर्मिनल सॉकेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल स्पीकर्स में नहीं मिलते हैं, उसमें पुश टर्मिनल सॉकेट मिलता है। और इस वाले स्पीकर में जो एम्पलीफायर में बनाना सॉकेट आपको देखने को मिलता है, उस टाइप का टर्मिनल सॉकेट इसमें यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बेस्ट होता है। और यहाँ पर स्पीकर आप देख सकते हैं 18 इंच का स्पीकर है, इसका बास्केट भी काफ़ी अच्छा मजबूत आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल अब हम बात करते हैं स्पीकर का स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो इसका स्पीकर का टाइप होने वाला है, सब ऊपर पावर 1000 वाट आरएमएस पावर में, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 30 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज के बीच में स्पीकर वर्क करेगा, इम्पिडेंस 8 ओम, सेंसिविटी 97 dB आपको देखने को मिलता है, वॉइस कोयल 100 mm 4 इंच का वॉइस कोयल इसमें यूज़ किया गया है, कॉपर का वॉइस कोयल इन आउट के साथ यहाँ पर स्पीकर में कोयल यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर स्पीकर का जो वेट है वो 12 किलो 500 ग्राम का एक स्पीकर का वेट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं स्पीकर का प्राइस क्या होगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके लोड कैलकुलेशन के ऊपर। तो पहले तो हम बात करते हैं स्टूडियो मास्टर का SWF1800 के स्पीकर का प्राइस क्या होगा। तो मार्केट प्राइस जो है वो अलग हो सकता है, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइस बता देता हूं। तो इस वाले स्पीकर का जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर 14,400 रुपए के आसपास में ये वाला स्पीकर आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। प्राइस 1000-2500 के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपके पास ये स्पीकर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर के लिए एम्पलीफायर हम कितने वाट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम 2 बेस यूज़ करते हैं या फिर 4 बेस यूज़ करते हैं तो हम कितने वाट का एम्पलीफायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे तो सीधा सीधा हम यहाँ पर 5000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं। 2 स्पीकर के लिए भी 5000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे और 4 स्पीकर के लिए भी 5000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। अगर आप 2 स्पीकर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, मतलब 2 बेस आप बना रहे हैं, तो भी आप 5000 वाट का एम्पलीफायर लीजिए, जिससे कि आप कभी भी और 2 बेस बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय आप जो है इसी एम्पलीफायर में आप 4 बेस भी चला सके। तो यहाँ पर फुल रिकमेंडेड 5000 वाट का एम्पलीफायर आपके लिए रहेगा, जैसे कि NXID का MT-1201, साउंड स्टैंड का CA20 या फिर यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड हैं, नाम भी याद नहीं आते हैं वीडियो बनाने समय, जैसे कि और भी यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का 5000 वाट का एम्पलीफायर, और यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड हैं, जो भी आप अच्छा ब्रांड आपको जो भी अच्छा एम्पलीफायर लगे वो आप ले सकते हैं 5000 वाट का। और यहाँ पर 2 बेस एक चैनल में, 2 बेस दूसरे चैनल में, कुछ इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर पर चैनल एक एक बेस भी हम चला सकते हैं विदाउट क्लिप। क्लिपिंग तक आपको नहीं चलाना है जब आप 8 ओम्स के ऊपर यूज़ करेंगे, मतलब एक एक स्पीकर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको क्लिपिंग तक नहीं यूज़ करना है, और कुछ इस प्रकार से जो है आपको लोड कैलकुलेशन कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है 4 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टूडियो मास्टर का SWF1800 का प्राइस भी बता दिया है, स्पेसिफिकेशन बता दिया है, प्लस यहाँ पर क्विक रिव्यू भी आपको देखने को मिल गया है इस वाले वीडियो में। फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल में अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबा करके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।